तो अपना पान सुपारी अंदर यूं सजा के रखूंगा। पान सुपारी? इतना सोच में का पड़ गया? अंदर का कोहिनूर हीरा रखा हुआ है पाल के। कौन बात का नूर होगा इसके अंदर? वो जो चलिए ठीक है, ले लीजिए लीजिए। धन्यवाद। हम कल जब दुकान खुलता है तो हम इसको भेज देता हूँ और एकरा वो बनाता हूँ। हम सकल जब या नहीं ताला तोड़ दूंगा। और आपका स्नान करने से पहले आपका 16 सिंगार सामान आपको दे दूंगा और ये डिबिया अपने पास रख लूंगा। ठीक है, आते आई। अरे वाह छोटी नानी, आपका कमरा तो बड़ा ही सुंदर है। वो तो है मगर तुमसे कम सुंदर। सो तो है। दादाजी को ना नाराज मत होने देना। आज सिर्फ बक्सा रख पाया है तुम्हारा, कल को ना सजा भी दे सकते हैं वो तुम्हें। बिना छोटी नानी एकदम थोड़ा थोड़ा बात पे ना घबरा जाती है। हम है ना सब संभाल लेंगे। हम जानते हैं तुम सब संभाल लोगी, मगर कहाँ है ना, हम नहीं चाहते कि दद्दा जी हमारी नातिन पर किसी बात के लिए कोई उंगली उठाए। बस एक मिनट छोटी नानी, हम ही हलवा तो खा लेंगे लेकिन ना आपको एक वादा करना पड़ेगा। वादा? कैसा वादा? वही कि अम्मा ना हमसे कही थी कि तुम ननिहाल जा रही हो तो वहां जाकर मतलब इतना चपड़ चपड़ मत खा लेना कि जाकर मोटा जाओ। इसीलिए आपको वादा करना पड़ेगा कि आप अम्मा को जाकर नहीं ना बताइएगा कि हम ये सब खा रहे हैं, ये जो हलवा है। नहीं तो पता है क्या होगा, कोई भी लड़का ना हमको शादी के लिए देखने भी नहीं आएगा। उसके बाद अम्मा हमको खुद कोसेंगी कि और जाओ खाओ, ननिहाल में जाकर खा खा के मोटा जाओ। इससे पहले कि कोई आ जाए हमको तो दद्दा जी के कमरे से उपक्षण निकालना ही पड़ेगा। कोमल, पूनम। हाँ बोलो। तुम यहाँ? हाँ वो हम बड़की अम्मा का दवाई लेने आए थे। लेकिन ये तो दद्दा जी का कमरा है। का दद्दा जी का कमरा? लगता है कि हम ही को दिशा भरम हो गया है। अब इतना बड़ा हवेली है तो आदमी तो भुला ही जाएगा ना। कोई बात, बड़ी अम्मा का कमरा वहां है। अच्छा वहां। लखन ठाकुर, सॉरी हमारा ध्यान कहीं और था। तब तो माफी हमको मांगना चाहिए, शायद कि हमारा ध्यान भी तुम्हारे ऊपर था और टकरा भी तुम्हीं से गया।
हड्डी ढीली हुई नहीं, करवाई गई। और इस घर में दद्दा जी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज तो उन्होंने हमें धमकी भी दी थी। पूनम, तुम आज से यहाँ नहीं सोओगी। किस्मत अच्छी थी तो हम आ गए टाइम पे, नहीं तो फिर वक्त हमेशा साथ नहीं देता। आज से तुम अपने कमरे में सो। ऐसे ही देखती रहोगी तो नींद नहीं आएगी। सो जा। न जाने कैसे हमने अपने आप को इतने दिन तुमसे दूर रखा।